एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। तो अभी हम लोग मम्मी के लिए और पापा के लिए टिफ़िन लेके आए हॉस्पिटल में। आज मम्मी को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा क्योंकि उनके हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पहले उनकी हड्डी उनकी जगह पे थी, बस थोड़ी सी माइनर सा था, तो डॉक्टर ने बोला था पट्टा लगाने से हो जाएगा, बट उन्होंने हाथ मूवमेंट कर करके बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर लिए, हड्डी में बहुत ज़्यादा गेप हो गई है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो अभी विहाना मिलने आई है क्योंकि कल सुबह नानी का ऑपरेशन है, तो सुबह तक वो मिल नहीं पाएगी मम्मी से क्योंकि वो स्कूल चले जाएगी, फिर उसके क्लासेस भी रहती है, तो वो अभी नानी से मिलने आ गई है। तो अभी पापा नाइट में रुकेंगे, पूरा दिन मैं रुकती हूँ मम्मी के पास, सुबह में 9 बजे आ जाती हूँ और रात को 10-11 बजे वापस चली जाती हूँ। व्यू को स्कूल से रेडी वेडी करके उसको छोड़ के फिर हम लोग इधर ही आते हैं, मोहित मुझे छोड़ के चले जाता है, पूरा दिन मम्मी के पास मैं ही रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं व्यू को मिलवाने ले आई थी और यहाँ पर नाना जी उनके हाथ का पुस्कुराना खिला रहे विहू को कि नाना जी ने बनाया है आप खा लो। पुस्कुरा मीन्स जो बासी रोटी होती है उसको बारीक करके पोहे टाइप, जो आप लोग जैसे पोहे बोलते हो वैसे हम लोग इसको पुस्कुरा बोलते हैं, वैसे बनाते हैं। तो बस यहाँ से विहू को मिलवा के हम लोग लेके जाएंगे क्योंकि सुबह उठना भी है उसको, 7 बजे वो उठती है। तो मोहित यही बोल रहा है कि हम लोग चलते हैं इसको लेके। तो बस हम लोग मम्मी को यही बोल रहे हैं कि घबराना मत, टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छे से होगा, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपको जो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है वो अच्छी हो जाएगी, थोड़े टाइम क्या रहेगा। तो बस अब हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि नाइट में पापा रुकते हैं यहाँ पे, मॉर्निंग में मैं आ जाऊँगी 9 बजे, तो पापा घर सोने चले जाएँगे और 9 बजे से रात की 9-10 बजे तक मैं ही रुकती हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहलवान विहार की फ्रूट्स की शॉप पर आ गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए। फ्रूट्स लेने, ये देख सकते हैं कितने ताज़े ताज़े फ्रूट्स रखते हैं। आप पहलवान की सेहत का राज पूछ रहे थे तो वो यही है। पहलवान भैया आपकी सेहत का राज आज लोगों को पता चल गया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स बोल के बताओ ना। ग्रेप्स बोल के बताइए मोहित जी, नाम जो मैंने बोला बोल के, ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स। ये राज है इनकी सेहत का, आप पूछते पहलवान भैया इतने मोटे कैसे, तो ये दिन भर यहाँ फ्रूट्स खाते रहते हैं। पहलवान भैया की दुकान कहाँ पे? चौपन में आइए और बढ़िया ताजे ताजे फ्रूट्स लेके जाइए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी, मैंने नहा लिया है, विहाना स्कूल गई है और मैं यहाँ दीदी से छोटी करवाने आई हूँ क्योंकि मेरा हाथ एक ऊपर होता नहीं, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो यहाँ पे दीदी मेरी छोटी कर रही है और मैं हॉस्पिटल जाऊँगी टिफ़िन लेके पापा और मम्मी का। यहाँ पर दीदी से मैंने छोटी करा ली है, अब मैं पूजा कर रही हूँ, लाइट चली गई है, दिया बत्ती करके टिफ़िन भर के मैं जाऊँगी मम्मी के पास क्योंकि मम्मी का आज ऑपरेशन है 1 बजे। तो बस मोहित मुझे लेके जा रहा है छोड़ने के लिए, मोहित मुझे छोड़ के आ जाएगा। तो ये हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ मैं और मम्मी के लिए टिफ़िन ले आई हूँ, पापा के लिए भी। खैर मम्मी को तो खाने के लिए मना करा है डॉक्टर ने, रात की 12 बजे से पानी देने ही बंद करवा दिया था कि अब पानी भी नहीं देना है। तो पापा टिफ़िन लेके घर जा रहे चेंज करने के लिए, पापा सोएंगे अब मैं पापा को बोल दिया है रात को सीधे 11 बजे आना जब मैं यहाँ से जाऊँगी, जब तक आप रेस्ट कर लो। तो यहाँ पर मम्मी के पास मैं आ गई हूँ, मम्मी को भी चेंज करवा दिया है, हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं मम्मी से। मम्मी का मूड थोड़ा अच्छा करी क्योंकि मम्मी थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि बाप रे ऑपरेशन क्या नीड थी, बोले पट्टे से ही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने सोचा था हम पट्टे से कर लेंगे बट उस टाइम मम्मी की मेंटली स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो बार बार पट्टा निकाल के फेंक देती थी, तो उस कारण बहुत हाथ मूवमेंट हुआ, उस कारण से ना उनकी हड्डी जो जिसमें बहुत ज़्यादा गेप आ गई है, अभी मैं एक्सरे में आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं मम्मी से कि मम्मी को यही हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, बोल रही हूँ बस थोड़ा आपको 2-3 दिन प्रॉब्लम आएगी ऑपरेशन के, बाकी वो फिर लाइफ टाइम के लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बुला रहे फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्म वॉर्म भरना है क्योंकि मम्मी को अब थोड़ी सी देर में ऑपरेशन के लिए लेके जाने वाले। तो यहाँ पर मैं साइन और ये सब कुछ कर रही हूँ। ये भैया मुझसे पूछ रहे हैं आप ऐसे दोनों हाथ पकड़ के क्यों कर रहे हो, तो उनको मैं बता रही हूँ कि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा भी ये हाथ ऊपर नहीं होता है, तो एक हाथ से सपोर्ट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारी फॉर्मेलिटी कर दी है, सारे फॉर्म वॉर्म भर दिए, साइन भी कर दिए, सब कुछ हो गया है, बस अब थोड़ी सी देर में मम्मी को लेके जाने वाले हैं। हाय, कैसे हैं आप? देखने आए आपको, चाची को बहुत याद आ रही थी इनको, इतने सीधे बनते हर कैमरे के सामने इतने सारे कि मैं क्या बता। तो यहाँ पे नर्स आई है जो कि इनका बीपी वगैरह सब कुछ चेक कर रही है क्योंकि अब इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाले हैं, उसके पहले सारे चेकअप हो रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला है कि उन्होंने जितनी भी ज्वेलरी पहनी है
आप सारी इनकी निकाल दो क्योंकि अब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने वाले, तो वही मम्मी और मैं निकाल रहे हैं उनकी सारी ज्वेलरी वगैरह। ये देखिए मैं आपको मम्मी का एक्सरे दिखाती हूँ। ये जो आपको ये दोनों हड्डी में गैप दिख रही है ऊपर वाली में, हाँ ये तो ये पहले थोड़ी चिपकी हुई थी, हल्की सी क्रैक थी, तो डॉक्टर ने सब पट्ठा बांधने से जुड़ जाएगी, बट मम्मी ने इतना ज़्यादा मोमेंट किया है कि वो ये देखिए ये वाली, तो वो इतना ज़्यादा गैप हो गया इसलिए ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो बस अब मम्मी को लेके जाने वाले हैं थोड़ी सी देर में। डॉक्टर ने बोला है नोज पिन नहीं निकल रही है क्योंकि मम्मी के नाक में नली लगी हुई थी, उस कारण स्वेलिंग है, तो वो जब एडमिट थे वो तो नहीं निकल रही थी। डॉक्टर ने बोला एक काम कीजिए आप यहाँ पे वाइट टेप लगा दीजिए। यहाँ पे मैं मम्मी को समझा रही हूँ सब कुछ अच्छा होगा, नॉर्मल होगा, आप ऐसा टेंशन मत लेना, आपको कुछ पता नहीं चलेगा ये वो ऐसे करके, क्योंकि मुझे खुद को ही बहुत डर लग रहा था, मैं खुद घबरा रही थी। बाकी उनके सामने मैंने बिल्कुल भी नहीं वो होने दिया क्योंकि मैं अकेली भी थी और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, तो फिर भी मैंने महसूस नहीं होने दिया, मम्मी को हिम्मत ही दे के रखी थी मैंने। तो यहाँ पे मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं। घबराना नहीं है ना, कुछ नहीं होगा, वो देखो वो भी बोल रहे कुछ नहीं होगा, ठीक है नॉर्मल रहना, एकदम इतना टेंशन मत लो। मम्मी को अब ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं, अब देखते हैं कितनी क्या देर में मम्मी वापस आएगी। मम्मी को गए हुए अंदर कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है और मेरी बड़ी मम्मी आ चुकी है मेरे लिए कुछ खाने का लेके। मैं बहुत देर से मम्मा का वेट कर रही थी, मम्मा को बोला कि आप आ जाओ मेरे को अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर बड़ी मम्मी आई मेरे लिए खाने का लेके, तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ। उसके बाद देखते हैं, अभी तक तो मम्मी बाहर नहीं आई है क्योंकि 3 बज चुकी है, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। और मम्मी फिर 4 बजे बाहर आई है, मम्मी को 1 बजे लेके गए थे तो मम्मी 4 बजे बाहर आई है, तो मम्मी को बाहर लेके आ गए हैं। और मम्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उनको देख के हम लोग भी रोने लग गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनको पेन हो रहा था, तो नर्स चिल्ला रही थी कि आप उनके सामने मत रो ये वो, तो हम लोग अब नीचे उनको शिफ्ट करने लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मम्मी को समझा रहे हैं कि मम्मी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी फिर सब सही हो जाएगा। मम्मी की जो ये कोनी की हड्डी निकाल के थोड़ी सी वहाँ पे लगाई है डॉक्टर ने बोला, इसलिए उनकी वहाँ पे कोनी पे भी टाके आए हैं। हाँ अभी पेन किलर इंजेक्शन दिया उन्हें, थोड़ा सा होगा मम्मी, आज के दिन होगा ना। हाँ ठीक है, उनको पानी कब दे सकते अभी नहीं देना, कब तक पानी देख के बताना पड़ेगा। वो मेडिसिन पहले की वो और इनकी ना सर की मेडिसिन चल रही है तो वो दे सकते कि नहीं, इनके क्लॉटेज जम रहे हैं सर में, तो ये बोल रही मेरा सर को दिख रहा है। हाँ बता दिया था, सब बता दिया, नहीं पता ये अभी इनके सर दुख रहे थे तो मैं पूछूँ क्या कर रहा है। आप मेडिसिन देंगे तो पानी तो जाएगा ही, सही से नहीं दे सकते, आप एक बार पूछते हो पानी वानी का कब क्या दे सकते हो। ये ना आप लेके आ जाओ, इनको पानी अभी नहीं देना है, आपको 7 बजे तक देना है शाम को। ये मेडिसिन अभी देना है क्या? अभी नहीं देना है, रात का किलो 7 बजे देंगे उनको, किलो का ना उसके बाद ठीक है। मैं बता दूंगी जोन से देना है, अभी इनका पानी ठीक है, 7 बजे की दर्द बड़ी है, थैंक यू। इनके इंचार्ज थे ना वो बात कर रहे थे कि इन दीदी को जानते हो क्या, तो फिर ये आए मेरे पास। तो बड़ी मम्मी वगैरह चाची वगैरह सब घर चले गए थे, मैं यहाँ मम्मी के पास बैठी हुई हूँ। पूरा दिन मैं ऐसे मम्मी के पास बैठी रही क्योंकि मम्मी की नींद लगी थी अच्छा था, और जैसे नींद खुली थी तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था,
तो उनको डॉक्टर से अभी डायना पार्क का इंजेक्शन दिलाया जिसके कारण वो अभी सो पा रही हैं। को लेके आए हैं भैया, यहाँ पे मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मम्मी को एक्सरे के लिए लेके आए वापस देखने के लिए। डॉक्टर यहाँ पे एक्सरे कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एक्सरे की रिपोर्ट लेने खड़ी हूँ और यहाँ पे मेरी दीदी आई है जो कि उनको खाना खिला रहे हैं, क्योंकि मेरे एक हाथ से मम्मी को खाना खिलाते नहीं बनता मुझसे, तो मैंने दीदी को बोला कि आप खिला दो, तो यहाँ पे दीदी खाना खिला रहे हैं। अब एक दो घंटे बाद मैं भी घर जाने वाली हूँ, पापा आएंगे अब सोने के लिए, अब मैं कल मॉर्निंग में आऊँगी फिर, तो मैंने मोहित को बुलाया लेने के लिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं मम्मी और पापा के लिए टिफ़िन लेके आ गई हूँ। और मम्मी को आज हॉस्पिटल में 3 दिन हो गए और आज डॉक्टर ने बुलाया इनको डिस्चार्ज दे देंगे, तो मैं मम्मी का बेड ऊपर कर रही क्योंकि मैं नारियल पानी लाई हूँ तो मम्मी को पिला रही हूँ। तो बस मम्मी को थोड़ा सा मैं उठाने की भी कोशिश कर रही हूँ ताकि वो, मैंने बोला अपन को घर भी जाना है तो मम्मी उठना तो पड़ेगा, आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करो धीरे धीरे, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे प्लेट डली हुई है आगे हड्डी में तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसके कारण। शाम हो गई है, मम्मी का डिस्चार्ज होने वाला है तो हम लोग सारी पैकिंग कर रहे हैं। पापा से मैंने कपड़े चेंज करने के लिए पापा से मंगाया कि आप ये ले आओ, तो मम्मी के अपन दोनों मिलके कपड़े चेंज करवा देते। तो यहाँ पे मम्मी ने चेंज कर लिया है, अब घर जाने की तैयारी चल रही है। मम्मी की जो भी ज्वेलरी थी वो निकाली थी वो हमने पहना दी है। और ये देखिए विहाना भी कोचिंग से आ गई है नानी से मिलने, हमने उसको बोले दिया था कि नानी का डिस्चार्ज हो रहा है पर नहीं, फिर भी वो मिलने आई नानी से। जैसे वो नानी को देखती है, नानी की ऐसी हालत देख के उसको थोड़ा मुंह उतर जाता है, नानी को लाड़ करती है, उनको बोलती है जल्दी से अच्छे हो जाओ, उसका मुंह देखो कितना सो गया है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। ये पट्टी वट्टी सब देख के कि कल तो नानी से मिली थी जब नानी अच्छे थे, अब नानी की हालत कैसी हो गई है। तो नानी की टीकी नहीं थी तो उसने अपनी टीकी निकाली और नानी को लगा दी, बोले लो नानी आप लगा लो। तो गाइज़ मम्मी का डिस्चार्ज हो रहा है और हम लोग घर जा रहे हैं, मैं नीचे कैब करने जा रही हूँ। तो ये व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते न्यू व्लॉग के।